रुको जरा, सबर करो। हे गाइस, बेसिकली हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ड्रैग क्या होता है और रोटेशन ड्रैग क्या होता है और रोटेशन ड्रैग कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू। ड्रैग कैसे होते हैं, तो देखो ड्रैग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट ड्रैग, जो अभी आप डायरेक्ट ड्रैग का यूज करते हैं, और एक होता है रोटेशन ड्रैग। अब दोनों के अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो सब लोग यूज करते हैं डायरेक्ट ड्रैग का, क्योंकि ये नॉर्मल होता है और ये इजी होता है। जो भी आपको सीधा नीचे से बटन एक ऊपर लेके जाना पड़ता है और उधर आप छोड़ दो तो आपका वो हो जाता है डायरेक्ट ड्रैग। अब जो रोटेशन ड्रैग होता है उससे आपको एकदम परफेक्ट रोटेट करना पड़ेगा, तो आपके हेडशॉट एकदम परफेक्ट लगेंगे, जैसे आप बैकग्राउंड में मेरा गेम प्ले देख सकते हैं। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप पक्का बिल्कुल इसी तरह से ड्रैग मारना सीख जाएंगे, भले ही आप स्टार्ट हो या फिर आप पहले से खेलते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ड्रैग बर्के कैसे करता है, ठीक है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि ड्रैग हम दो प्रकार से करते हैं, एक करते हैं हम डायरेक्ट ड्रैग और एक करते हैं हम रोटेशन ड्रैग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट ड्रैग की। तो डायरेक्ट ड्रैग में क्या होता है कि जैसे अगर आपका कोई, जैसे आप डायरेक्ट ड्रैग करते हो, ठीक है, और सामने से एनिमी सीधा सीधा चल के आता है या सीधा आपके ऊपर रश कर देता है, तो उधर आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट ड्रैग। इसमें क्या होता है कि आप वो सीधा सीधा आता है, आपको भी सीधा सीधा ऊपर उठाना है, ठीक है, तो उधर डायरेक्ट यूज करके आप उसको आसानी से हट दे सकते हो। अब बात करते हैं रोटेशन ड्रैग की। तो देखो रोटेशन ड्रैग में क्या होता है कि अगर आपका एनिमी जिगजैग मूवमेंट करता हो या आपके एनिमी थोड़ा अच्छा खेलता हो, बेसिकली आजकल क्या होता है ना कि कोई बच्चा भी हो तो वो भी आजकल जिगजैग मूवमेंट करना जानता है और अच्छा खेलना जानता है। पहले जैसा आजकल फ्री फायर नहीं रहा कि पहले नूबड़े रहते थे, आजकल वही प्लेयर इतने अच्छे प्लेयर खेलने लगे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और बल्कि जो 70-75 प्लस के बंदे हैं ना वो नॉर्मल खेलते हैं, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं ना वो एकदम समझ लो एकदम सारे के सारे भाई राइ स्टार बने फिरते हैं। सही पकड़े हैं। तो हम बात कर रहे थे रोटेशन ड्रैग। तो देखो रोटेशन ड्रैग में होता क्या है, मैं मान के चलो आपका एनिमी लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है, आपका एनिमी लेफ्ट साइड भाग रहा है, तो आपको क्या करना है कि स्वाइप करके नीचे से आपको अपना फायर बटन को होल्ड करके नीचे से आपको बिल्कुल एकदम लेफ्ट साइड से लेके आपको ड्रैग कर देना है। तो उसमें क्या होगा कि आपका बंदा उसी साइड भाग रहा है जो आपका आप एनिमी की पोजीशन होगी, और जो आप रोटेट करोगे ना उसमें आपका क्या होगा कि आपका हेड 100% घलेगा। देखो मैंने इतने सारे हेड मार के दिखाए हैं आपको, आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें देखना कि मैं ड्रैग कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये समझना है। अगर आप ड्रैग करना सीख गए तो आप ईजिली आसानी से बिल्कुल एकदम राइ स्टार जैसे एकदम बिल्कुल रेड नंबर के हेड मार सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। तो देखो मेरे फायर बटन को आप एक बार गौर से देखो, फिर उसके बाद चलिए गाइस बात करते हैं डायरेक्ट ड्रैग की। तो देखो डायरेक्ट ड्रैग में होता क्या है कि ज़्यादातर बंदे जो है डायरेक्ट ड्रैग का यूज करते हैं। मैं भी पहले डायरेक्ट ड्रैग का यूज करता था, लेकिन जब से मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है ना कि रोटेशन ड्रैग डायरेक्ट ड्रैग से ज़्यादा अच्छा काम करता है। मतलब उसमें डायरेक्ट ड्रैग में देखो आपका होगा क्या, मैं आपको डायरेक्ट ड्रैग का पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर डायरेक्ट ड्रैग का आप यूज करते हैं तो आप एक पोजीशन पर बंदे को मार सकते हैं, जैसे कि अगर बंदा खड़ा हो, बैठा हो, या फिर सीधा सीधा भागता आ रहा हो, या फिर आपके ऊपर रस कर रहा हो, ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप हैं जो आपके ऊपर अगर हो रहे हो उस बंदे के, आपका जो एम है एनिमी, तो अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो आप डायरेक्ट ड्रैग मार के उसको ईजिली हेड दे सकते हैं, ठीक है। चलो उसी प्रकार बात करते हैं अब रोटेशन ड्रैग की। तो देखो रोटेशन ड्रैग कब काम आता है, रोटेशन ड्रैग तब काम आता है जब आपका बंदा थोड़ा स्पीड में खेलता हो, ठीक है, वो जिगजैग मूवमेंट करता हो और आपके एम लगने से पहले एकदम सीधा सीधा रश नहीं करता, वो दिमाग से खेलता है, तो रोटेशन ड्रैग हम उधर यूज कर सकते हैं। रोटेशन ड्रैग से क्या है ना, अगर आपका बंदा लेफ्ट साइड से आ रहा है तो आपको एकदम लेफ्ट साइड से रोटेट करा के एकदम उसको हेड दे देना है, ठीक है, और अगर राइट साइड भाग रहा है तो आपको राइट साइड पर एकदम रोटेट करा के हेड दे देना, दोनों में एकदम वर्क करेगी। आपको कुछ नहीं लेफ्ट राइट बस ड्रैग करना है, उसमें आपके आसानी से एकदम हेडशॉट लग जाएंगे। तो ये तो रही रोटेशन ड्रैग की बात।
चलिए अब बात करते हैं कि रोटेशन ड्रैग आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जितना कि डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ड्रैग में क्या होता है कि डायरेक्ट ड्रैग में आपके 90% चांसेस रहते हैं कि आपका हेड नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम उसी प्रकार से बात करें कि रोटेशन ड्रैग, तो उसमें आपके 90% चांस रहते कि आपके हेड 90% लगेंगे। ठीक है, इसमें उल्टा है, उसमें 90% नहीं लगेंगे, इसमें बल्कि 90% लगेंगे। और जो आपने राइज स्टार की वीडियो देखी होगी और भी जो बाकी रेड नंबर वाले प्लेयर हैं आप उनकी वीडियो देखते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी राइज स्टार अपना फायर करता है ना, तो वो कभी भी सीधा सीधा फायर नहीं करता, एकदम बंदे मतलब जिस साइड से बंदा आ रहा है या जिस साइड बंदा भाग रहा है उसी साइड ड्रैग करके एकदम फायर करता है। तो उससे क्या होता है कि उसके हेडशॉट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हर बार एकदम रेड नंबर आते हैं। तो इससे होता क्या कि उसके हेडशॉट के चांसेस एकदम मतलब अपर एकदम मतलब 100% हो जाते हैं। और आप जब भी देखते होगे कि रोटेशन ड्रैग में आपका जो भी लगेगा हेडशॉट ना, तो एकदम बिल्कुल रेड नंबर लगेगा, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। ऐसा जो व्यूवर है ना, वो भी देखने जो मरा होगा, जिसको आपने एनिमी को मारा होगा, उसको भी मज़ा आ जाएगी, भाई क्या वन टैप मारा है हेडशॉट। और अगर हम बात करते हैं रोटेशन ड्रैग की, तो रोटेशन ड्रैग यार आप डायरेक्ट ड्रैग से रोटेशन ड्रैग सीख लो, बहुत अच्छा है। रोटेशन ड्रैग सीखने में कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जो मैं आपको बैकग्राउंड में अपना गेम प्ले दिखा रहा था, ये मैंने कुछ नहीं सिर्फ दो दिन में मैंने सीखा इतना। पहले मैं क्या करता था, सीधा सीधा ड्रैग करता, तो उसमें क्या होता है ना, हेडशॉट गलते थे लेकिन बहुत कम गलते थे, और ऊपर से एकदम बिल्कुल रेड नंबर तो कभी नहीं गलते यार। डायरेक्ट ड्रैग में आपके भी रेड नंबर नहीं गलते होंगे, जैसे अभी मैं पीछे दिखा रहा था। तभी मैंने दो दिन से प्रैक्टिस की रोटेशन ड्रैग की, और जब रोटेशन ड्रैग मैंने देखा ना, मैंने कहा भाई साहब ये तो अलग ही लेवल पे है। मतलब तुम्हारा एम किधर भी हो, रेड हो या फिर वाइट हो, कुछ से खुद फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस रोटेट कर दो ऑटोमेटिक बंदे पे सीधा हेड पे एम लेता है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन भाई साहब मज़ा आ जाता है ऐसे हेड देख के। चलिए अब आप आ जाते हैं एग्जांपल के ऊपर। तो देखो आपको ड्रैग कैसे करना है। देखो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखो ये बस एनिमी है, ठीक है। अभी आप एनिमी को देखो, ये किस साइड है, और मेरा एम देख लो, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मान के चलो एनिमी मेरा इस साइड है, ठीक है, इस साइड से भाग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने बटन को देखो होल्ड किया मैंने थोड़ा, और थोड़ा होल्ड करके सीधा इसी साइड रोटेट कर दिया, और जैसे ही उसी साइड रोटेट किया, आप देखो कैसे उस बंदे के सीधा कहीं नहीं एम रुका, सीधे उसके सर पे एम रुका, और आप देख सकते हो कि सारे सारे एकदम बिल्कुल रेड नंबर हैं। तो आपने देख लिया ना, इस तरीके से बड़ा ईजी है, बस आपको दो तीन दिन, एक हफ्ता लगेगा, ज़्यादा एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के बाद आप एकदम राइज स्टार बन जाओगे। समझ रहे हो आप? चलिए अब बात करते हैं कि रोटेशन ड्रैग काम कब करता है, आपको रोटेशन ड्रैग कब करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रोटेशन ड्रैग देखो शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों में काम नहीं करता है। आपको मिड रेंज और थोड़ा लॉन्ग रेंज, एकदम जब आपका बंदा क्लोज आ जाएगा ना, आपका जो एनिमी है वो एकदम क्लोज आ जाएगा उधर, तो चांस घट जाते हैं आपके हेड लगने के, क्योंकि लगते हैं। मैं देखो काफ़ी बार ट्राई किया है लेकिन काफ़ी बार नहीं लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि जब आप रोटेशन ड्रैग का यूज़ करो ना, तो आपका जो एनिमी है वो या तो मिड रेंज में हो या फिर वो थोड़ा शॉर्ट रेंज में हो। देखो बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी, उसे इग्नोर कर देना। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि आपका एनिमी जिस साइड भाग रहा है उसी साइड आपको रोटेट करना है, ठीक है। और ऊपर से उसकी पोजीशन को देखना है, और आपको ये देखना है कि वो अभी मिड रेंज में है लॉन्ग रेंज में है, जिस टाइप से हो उस टाइप से आपको रोटेट करके उसको सीधा हेड दे देना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज रेंज की। तो जब बंदा एकदम क्लोज आ जाता है, तो उधर आपको क्या करना है, या तो आप ड्रैग मत करो, या फिर आपको ड्रैग करना है तो आप सीधा डायरेक्ट वाला ड्रैग करो, सीधा नीचे से पकड़ के ऊपर कर दिया तो वो डायरेक्ट ड्रैग हो गया, ठीक है। उधर आप रोटेट मत करना, क्योंकि जब तक आप रोटेट करोगे ना, तो जब तक आपका एनिमी आपको मार भी देगा। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है यार, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में यार बहुत टाइम लगता है। तो आपका एक लाइक करने से क्या जाता है यार, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बता देना, कंजूसी मत करना यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आप अपना ड्रैग घालते रहिए, और मेरे को कमेंट करना कि यार आपसे हुआ कि नहीं हुआ।